हेलो एवरीवन, मेरे गिरी लाइवी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, ये बहुत ही खूबसूरत जो फ्लावर है हमारे समर प्लांट फ्लावर, तो मैं उसका जो है अपना कलेक्शन दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास काफ़ी सारा कलेक्शन है, तो मैं वो आज आपको सभी फ्लावर अपने दिखाने वाली हूँ। आइए मेरे साथ लास्ट तक बने रहो। देखिए इस सड़ी गर्मी में फूलों की भरमार है, वो मैं सब आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। इतनी गर्मी में फूल कैसे जो है खिले हुए हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाने वाली हूँ। और देखिए इनका चांदनी किसी ने सही रखा रहा, कितना वाइट फ्लावर रहता और चांद की चांदनी जैसी होती है, किस तरह का कितना खूबसूरत फ्लावर होता है। ये डबल चांदनी है मेरा, तो इस पर देखो कितने सारे फूल आए हुए हैं, सारे प्लांट पर फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। इससे ये देखो इधर भी है, प्लांट छोटा ये बहुत बड़ा नहीं है और कितना खूबसूरत सा फूल है। देखिए मैं अपना गुलाब का कलेक्शन भी दिखाती हूँ, ये डबल शेड में है। ये देखो अब ये एक सप्ताह पहले खिला था और अभी भी ये बना हुआ है इतनी गर्मी में, तो बस मैंने इसको अब धूप ज़्यादा पूरी नहीं दे रही हूँ, 3-4 घंटे की धूप में रहते हैं, सुबह की धूप में, और फिर इसको दोपहर में जो है धूप से बचाती हूँ मैं इसको। और देखो कितने खूबसूरत से लगते हैं ये, और इनकी कलियाँ देखो, इस पर भी काफ़ी सारे फूल मेरे बने हुए हैं, तो ये प्लांट भी बड़े अच्छे लगते हैं। और इसमें छोटा भी नहीं है, कह सकते इसको ठीक ठाक फ्लावर है इसका। ये देखिए इसे आप गुलाब बोल ही नहीं सकते, लेकिन ये रियल में गुलाब है। तो इसके देखो कुछ इस तरह के पेटल खुलते हैं, जैसे इसके अंदर कुछ ये गोल गोल है इसके अंदर, इस तरह से ये दो पत्तियाँ एक इधर लीप है और एक इधर, और ये इस तरह से ये बंद है। तो इसके सारे ये बड़ी बड़ी जो है पेटल होते हैं इसके, तो ये इस तरह ये खुलते हैं इसके, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये डबल शेड में है येलो और रेड का। ये वाला जो गुलाब होता है इसके कुछ ऐसे जैसे केंतली होती है बीच में, और कुछ इस तरह से देखो खिलते हैं एक एक करके, और बहुत सारे पेटल होते हैं इसमें, और कितने सारे ये खिलते चले जाते हैं। इसके भी काफ़ी बड़े बड़े पेटल होते हैं, तो ये देखो कैसे घुमावदार होते हैं, तो ये भी बहुत खूबसूरत होता है। और ये देखिए ये मेरी विनिका है, ये हाईब्रिड में भी है और मेरे पास देसी भी है, और सारे ही कलर हैं मेरे पास। ये देखो लगभग सारे ही कलर हैं, ये रेड कलर है बहुत सुंदर सा, और ये देसी पर्पल, और ये देखो ये ऑरेंज कलर है पीछे से, और ये देखो ये वाइट है, ये देसी है, और ये पीच कलर है, ये अलग है, और ये देखो पिंक अलग है, ये दो कलर हैं मेरे पास अलग अलग। और ये देश ये हाईब्रिड में वाइट कलर का ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, तो इसमें भी सारी ही मेरे पास कलर है, और सभी ये इस समय अच्छी ब्लूमिंग पे हैं। अगर आपको हैवी फ्लावरिंग चाहिए हिबिस्कस पे, तो इस तरह के प्लांट लें। ये देखिए ये छोटे वाले फूल हैं, बट छोटे भी नहीं कह सकते, अच्छे हैं। तो और ये ग्रीन पत्तियाँ हैं इनकी, और इतनी सारी इसमें देखो बड्स निकल रही हैं हर ब्रांच में, और इसमें ब्रांच भी बहुत सारी होती है। तो अगर आपको रोज़ फ्लावरिंग चाहिए हिबिस्कस पे, तो इस तरह का प्लांट ये ले सकते हैं। और ये देखिए ये गुड़हल का रेड कलर का, ये भी खूबसूरत सा खिल रहा है, इस पर भी काफ़ी फूल खिल रहे हैं इस पर भी, और गुलाब भी काफ़ी फूल दे रहे हैं इस समय, और मेरे ये वाले हिबिस्कस भी इस पर भी काफ़ी फूल है। और ये देखिए जिसे ये शंखपुष्प भी कहते हैं, अपराजिता भी कहते हैं, तो इसका देखो फ्लावर कितना खूबसूरत लगता है। ये डबल पेटल का है, सिंगल का भी आता है, तो ये मैं इसको एक प्लांट का रूप दे रही हूँ, क्योंकि वैसे ये क्रीपर होते हैं, बेल होती है इनकी, लेकिन मैं यहाँ से ऐसे कट कर देती हूँ, तो ये नीचे नीचे फैलते रहेंगे और फिर ये एक प्लांट का रूप ले लेंगे, और ये परमानेंट प्लांट होते हैं। इनको एक बार लगा लो तो ये गार्डन में सदा के लिए बने रहते हैं, क्योंकि इनके बीज ऐसे होते हैं कहीं भी जहाँ भी बिखरते हैं इजीली ये लग जाते हैं। तो ये प्लांट भी बहुत अच्छे होते हैं, पूरा गर्मी बरसात ये फूल देते हैं। और ये देखिए ये मेरे पर्सनल है, तो ये कुछ इस कलर के हैं ऑरेंज में, कुछ येलो है, अलग अलग कलर के हैं, तो अब ये भी काफ़ी ब्लूमिंग कर रहे हैं इस समय पर। और ये मेरे मॉस रोज हैं, और ये भी मॉस रोज है, और इधर भी मॉस रोज है, और ये अलग अलग तरह के कुछ मॉस रोज हैं, और कुछ देखो इस तरह से इस समय ब्लूमिंग है इस पर सभी पे, ये मॉस रोज हैं।
ये पर्सनल है, सारे कलर हैं मेरे पास लगभग। ये देखिए इसमें भी है, देखो ये पिंक कलर का जो दिख रहा है, तो ये बहुत पुराना है ये मेरा। और ये ग्रैंडी फ्लोरा, इसमें भी मेरे पास तीन कलर हैं, वाइट पिंक और ये वाइट कलर का मोस रोज। और ये भी ग्रैंडी फ्लोरा पिंक कलर का, और इधर भी। और ये देखिए बहुत सारे हैं मेरे पास, और भी हैं लगभग। तो ये तो मैंने एक जगह रखे हैं, तो ये आपको मैंने दिखाए हैं। और देखिए मेरे पास हिबिस्कस की रेड कलर की कई सारी वैरायटी है, और मतलब देखो है रेड कलर, तो ये छोटा फ्लावर में है रेड। तो इसमें देखो इसकी लीफ में, ये फूल का जो लीफ है इसकी लीफ में देखो कट बने हुए हैं, और सेम ऐसे ही कट है जैसे इसमें लीफ में होते हैं, वैसे ही कट इसमें है। तो ये एकदम अलग है। और भी दिखाती हूँ। तो ये देखो ये गोल राउंड है, यहाँ से ये राउंड है और अंदर सा हल्का सा डार्क मैरून है। तो ये एकदम अलग है, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो मेरे पास और भी कई सारी हैं, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो बड़े सुंदर सुंदर आते हैं रेड कलर में भी, अलग अलग वैरायटी के। और मेरा एक ये वाला हिबिस्कस है जिसपे हैवी फ्लावरिंग होती है, ये देखो ये ऑरेंज कलर का है और ये डबल पेटल का है भरा हुआ, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस पर इतने बड़े बड़े फूल होते हैं और रोज़ फूल ये देता रहता है। तो इस तरह के अगर प्लांट अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो हमारे पास हमेशा गार्डन में फूल बने रहते हैं। ये मधुकामली जो मुरैया कहते हैं, ये देखो इस पर इसमें फूल इतना आ रहा है, जितनी गर्मी बढ़ रही है उतना ही इस पर फूल बढ़ता चला जा रहा है। वो सारे ही इस समय तो सारे ही प्लांट पे इतनी खूबसूरत फ्लावरिंग है, और इसमें बड्स भी देखो कितनी भर भर के आई हुई है। तो इस तरह के प्लांट भी बहुत ही अच्छे होते हैं। ये देखो कितना फूल ही फूल है, और ये शाम को तो एकदम वाइट होता है। शाम को ये बड जितनी भी होती हैं ये बड, ये सारी खुल जाती है और इतना खुशबू बखेर देती हैं पूरे आंगन में, खुशबू ही खुशबू से महक जाता है पूरा आंगन। और ये देखो कितना बड्स ही बड्स हैं इसमें, और फूल ही फूल हैं इसमें। और एक बार ये सारे फूल ख़त्म हो जाते हैं फिर इसमें नए नए बड्स बन के आ जाते हैं। ये अभी बड्स हैं और फूल हैं, और इसके बाद ये छोटी 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 फिर कितने सारे बड्स फिर उसके बाद ये खिलेंगे। तो ये देखो कितना खूबसूरत, इसको भी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। और मेरे पास ये मैक्सिकम पिटोनिया, ये पिंक कलर का है, ये भी बहुत खूबसूरत है, ये गर्मियों में खूब फूल देने वाले प्लांट है। और ये वाइट कलर का, इसके मैंने छोटे छोटे ये बीज गिर गए थे, तो छोटे छोटे प्लांट हैं और कितने देखो फैले हुए हैं, ये हाइब्रिड है, ये फैलते बहुत है। ये पिंक कलर का है और इन पे भी आ रहे हैं। और ये देखो ये सब ये अपने आप जैसे बीज झड़ जाते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी इनकी पत्तियाँ देखो कितनी ग्रीन और कितने फैले हुए हैं। तो इनको तो पूरी धूप में रखें तभी इस पर फ्लावर आता है। इनमें भी बना हुआ, ये वाइट कलर का है। तो ये भी मेरे पास काफ़ी सारे हैं। और आगे की खूबसूरत वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे पास एक प्यारा सा खूबसूरत सा ये पीस लिली का है, और ये बिल्कुल लेस ग्रीन होती है इसकी लिप्स, और उनके बीच में एक छोटा प्यारा सा, छोटा भी नहीं है बड़ा सा वाइट कलर का फ्लावर, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो एक बार लिया इसको 100 रुपये से स्टार्टिंग होती है इसकी, तो और एक बार ले आते हैं तो इसके नए नए बेबीज हो जाते हैं उनसे, ये देखो ये प्रोपगेट हो जाते हैं। तो फिर एक प्लांट ले आओ तो इसके कई सारे प्लांट मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जो डो फ्लावर के हमने जो लिए थे विंटर में, तो वो तो चले गए। और देखो ये उसके मैंने बीज बिखेर दिए थे, सीड्स थे मेरे पास कुछ, तो ये देखो ये इसके जो है ये सीड्स जम गए और फूल भी आ गए इस पर। और इसका भी देखो ये पिटोनिया का भी, इसके भी बिखेर दिए थे मैंने अभी एक महीना पहले ही बिखेरे थे, और इस पर देखो प्लांट बन के और फूल भी आ गए हैं इस पर, कितना प्यारा सा है। अगर आप हिबिस्कस का प्लांट लेना चाहते फ्लावर प्लांट, तो इस तरह का भी ले सकते हैं, इस पर भी काफ़ी ब्लूमिंग होती है। तो इस पर भी देखो कई सारे ये बने रहते हैं, और इस पर कम से कम ये 4-5 दिन तक ये फ्लावर बना रहता है।
तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है फ्लोवर, इसको भी आप ले सकते हैं। और गजानिया पे भी ये देखो प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, इस पर भी है, इधर भी है, ये छुपे हुए हैं नीचे, और इस पर भी है, इधर भी, और इधर भी है, और अभी कुछ बड्स बने हुए खिले हुए हैं। ये कलेंचो तो अभी भी देखो इतनी गर्मी में अभी भी खिल रहा है, ये पिंक कलर में है, और ये देखो ऑरेंज कलर का, ये भी कितना खूबसूरत, और ये हमारे ये भी खिल ही रहे हैं देखो, ये भी सब खिल ही रहे हैं, और इधर ये भी खिल रहा है एक्जोरा भी कितना खूबसूरत। तो ये काफ़ी सारे अभी फूल जो विंटर में भी खिलते थे और समर में भी वो अभी खिल ही रहे हैं मेरे पास। और इधर देखिए ये आलमंडा का, इस पर भी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, इसमें देखिए अभी ये खिल ही रहा है, ये तो पूरा नहीं खिला, बहुत खूबसूरत कलर है इसका। और डेंथ इस पर भी देखो कितने प्यारे फूल बने हुए हैं, इस समय कितना खूबसूरत फूल आया हुआ है। और ये देखिए ये रानी कलर का, मजेंटा कलर का ये गंफरेना है, इस पर भी काफ़ी सारे फूल बने हुए हैं, ये भी खूबसूरत लगता है। और ये देखिए ये मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है, और ओलियंडर कनेर भी कहते हैं इसको, ओलियंडर भी कहते हैं, तो ये बड़ा खूबसूरत कलर था ये पहले, तो अभी 3-4 दिन पहले लिया तो इसके ये जो है फूल अभी सूखने लगे, और जब अभी ये देखो नए भी बन के आ रही है बर्ड्स, तो अभी ये खिलेंगे बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और मेरे पास पहले भी हैं कई सारे फायरबुश है, और इसमें छोटे छोटे ये लंबे लंबे से ये गुच्छों में फूल आते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये देखो। और ये प्लांट भी छोटा ही रहता है, बहुत बड़ा नहीं होता है। बरबीना पे भी इतना फूल आ रहा है भर भर के, ये भी हैवी फ्लावरिंग करता है, और मैंने कुछ ये तो कटिंग से लगाया था, और ये देखो ये इसका मदर प्लांट है, तो इस पर भी काफ़ी भर भर के आते हैं, तो ये हमेशा मुझे तो लगता है शायद बने ही रहते, पूरा विंटर हो गया और पूरा जो है ये गर्मी भी निकल रही है, जून में आधा तो होने ही वाला है, तो ये कितने सारे फ्लोर अभी भी बने हुए हैं इस पर खूबसूरत से कलर। और बस इसको क्या करना है, इसको पिंचिंग करते रहें ये फूलों की, तो ये और नई नई बर्ड्स आ जाती है बन के। और ये देखो पिटोनिया पे भी अभी कितनी अच्छी गर्मियों में फ्लावरिंग हो रही है, तो इसको मैंने बड़ी बड़ी इसकी जो स्टेम थी वो काट दी थी, तो ये देखो कितने सारे छोटे से प्लांट पर फूल आ रहे हैं। और ये मेरी गोल्ड है, ये तो मेरा फ्री का है जो मैंने विंटर में लिए थे, तो ये उसी के मैंने इसमें बीज डाल दिए थे, तो ये उसी के ये फूल अब आने लग गए। ये भी एक अच्छा प्लांट है गर्मी के लिए भी और ठंड के लिए भी और बरसात के लिए भी, ये हमेशा गार्डन में प्लांट हमारे बने रहते हैं। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मैंने बोले लास्ट तक बने रहिए, थैंक यू।